सर एक चीज यहाँ पे क्लियर करें, जो लास्ट वीडियो में भी लोगों ने मुझे पूछा, क्वेश्चंस किए कि क्या इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। अमूमन डेवलपर्स शुरू में तो डिस्काउंट पॉलिसीज दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसे चार्जेस ऐड कर देते हैं कि क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं। जो दूसरी ऑफर दी है उन्होंने वो ये दी है कि किसी भी टाइम आप बाय बैक करवा सकते हैं, अगर मार्केट के अंदर बायर मौजूद नहीं है तो हाजिर डेवलपर्स जो है वो बायर हैं, 6 से 8% जो है वो आपको रेंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, डेवलपर की तरफ से। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें शुभान प्रॉपर्टी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक मरतबा फिर मैं मौजूद हूं अल हादी एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे, और आपको आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अल हादी एसोसिएट के जो चेयरमैन है जनाब काशिफ शहजाद साहब के साथ। काशिफ शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप? जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि दी मॉल ऑफ अरेबिया लॉन्च हुआ है अल कबीर टाउन फेज 2 के अंदर। तमाम तर तफसीलात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि इसकी क्या इंस्टॉलमेंट प्लान है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, और रमजान जो ऑफर है वो भी मैंने आपको दे दी थी। लेकिन आज जो काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज वो हमें मजीद इसके अलावा और भी ऑफर्स देंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आप क्या ऑफर मजीद दे रहे हैं? पहले तो एक डिस्काउंट ऑफर आपने रमजान में दे दी हुई है, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप अल हादी एसोसिएट्स में आए और अपने चैनल के जरिए हमारा पैगाम लोगों को दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले प्री लॉन्चिंग में एक ऑफर दी थी लोगों को, बुकिंग पे डिस्काउंट दी थी, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया कि उसकी खुशी बड़ी हुई है। उसके साथ मैंने सोचा कि अब मैं मजीद खुशखबरियाँ और लोगों में बांटूँ, ठीक है? तो रमज़ान का महीना है तो इस खुशखबरी को हम आगे लेके चलते हैं। तो वहाँ सबसे पहले तो लोगों का वर्टिकल में ना सबसे वे होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना हमारी, वो इन्वेस्टमेंट जब बेचनी होती है तो वो बड़ा मुश्किल होता है, वो कैश होती है, बिल्कुल। तो अल हादी एसोसिएट्स ने आज अनाउंस किया है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप हमें बायबैक की हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर आप हमें दोबारा सेल आउट करते हैं तो हम उसकी 15 डेज के अंदर पेमेंट दे रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग कैश पे यूनिट परचेज करते हैं अमूमन 5 या 8% डिस्काउंट होता है, तो हम फर्स्ट टाइम उसका 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 15% 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि फुल पेमेंट करने पे 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा, हमने ये सर्विस लॉन्च किया है कि हम अपनी सारी बिल्डिंग में, प्रीवियस में और माल ऑफ अरेबिया में जो हाउसकीपिंग की फैसिलिटीज है वो अपने सारे रेजिडेंट्स को देंगे। यहाँ किसी को कोई मुलाजम रखने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का कुक रखने की जरूरत नहीं होगी, ये सारी फैसिलिटीज उसको माल ऑफ अरेबिया की तरफ से मिलेंगे जी, कम्प्लीमेंट्री में दी। नाजरीन तीन इन्होंने ऑफर्स दी हैं। सबसे पहली ऑफर ये दी है कि सारी बिल्डिंग के अंदर जो हाउसकीपिंग है वो अल हादी जो एसोसिएट्स हैं या अल हादी डेवलपर्स हैं वो देंगे। जो दूसरी ऑफर दी है उन्होंने वो ये दी है कि किसी भी टाइम आप बाय बैक करवा सकते हैं, अगर मार्केट के अंदर बायर मौजूद नहीं है तो अल हादी डेवलपर्स जो है वो बायर हैं। तीसरी जो ऑफर है वो ये है कि कैश पेमेंट करने पे आपको 15% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ये अल हादी एसोसिएट्स की तरफ से, अल हादी डेवलपर्स की तरफ से, ये खसूसी तौर पे रमजान की वजह से कह लें या हमारे क्लाइंट्स की वजह से कह लें, ये स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अच्छा काशिफ साहब, एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा लोगों के माइंड में, और भी है जी जी, अच्छा अमूमन लोग वर्टिकल में बिल्डिंग में अपने फ्लैट ले लेते हैं, शॉप्स ले लेते हैं जी, तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। अल हादी एसोसिएट्स उसकी मेंटेनेंस अपने पास रख के उसको एनुअली रेंट भी देगा, 6 से 8% अप, 6 to 8% हम आपकी प्रॉपर्टी का किराया भी देंगे जब आप अपना पेमेंट प्लान मुकम्मल कर लेते हैं। पेमेंट प्लान होने के बाद इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, आप सिक्योर होगी, बिल्कुल सिक्योर होगी, और आपको ये टेंशन भी नहीं कि आपने बिल्डिंग को रेंट आउट करना है कल को। 6 से 8% जो है वो आपको रेंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, डेवलपर की तरफ से। सर एक चीज यहाँ पे क्लियर करें, जो लास्ट वीडियो में भी लोगों ने मुझे पूछा, क्वेश्चंस किए कि क्या इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। अमूमन डेवलपर्स शुरू में तो डिस्काउंट पॉलिसीज दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसे चार्जेस ऐड कर देते हैं कि क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं। हमने आज तक अपनी किसी बिल्डिंग में हिडन चार्जेस नहीं लगाए, ठीक है सर, तो ना ही हम आगे लगाएंगे। तो हमने इसमें सारा मैकेनिज्म एक रखा होता है कि इस प्राइस को यहाँ तक अगर मटेरियल कास्ट बढ़ती है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो वो हम खुद बेयर करते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन कास्ट में, ये ओवरऑल सारों के लिए मैसेज है, जब इन्फ्लेशन कास्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो जो बोझ है वो डेवलपर अकेला नहीं उठा सकता, फिर वो थोड़ा थोड़ा बांटता है। तो लेकिन वो इन्फ्लेशन रेट जब आता है उस वक्त तक आपकी प्रॉपर्टी वैसे भी 4x100 वो मल्टीप्लाई हो चुकी होती है, तो इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है? और ना ही ऐसे, अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से यहाँ कोई भी नहीं लगाता, लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है उस वक्त डेवलपर उसमें जो एस्केलेशन अमाउंट होती है वो कास्ट करता है, वो हर जगह होता है, ये यहाँ भी है, यानी कि वो इतनी अमाउंट होगी कि लोग उसको आसानी से अफोर्डेबल है, वो जस्टिफाइएबल है। ये नहीं है कि जिसका जितना दिल करे वो लगा दे, अगर आपने कहीं और भी प्रॉपर्टी ली है
और वो आपको एस्केलेशन लगाते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने हमें जिस रेट पे भेजा था और उसकी एस्केलेशन अमाउंट अगर आप लगा रहे हैं तो वो किस रेट से लगा रहे हैं। जितना मटेरियल बड़ा होता है उसी हिसाब से लगाना चाहिए, ये आपका हक है और ये हक आप किसी को ऐसे ना दे दिया करें। दूसरी चीज कि रियल एस्टेट हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से इतनी ज्यादा डाउन है प्रॉपर्टी जो है हर जगह, तो क्या आप देखते हैं कि क्लाइंट्स को कितने टाइम में प्रॉफिट मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के? ये देखिए प्रॉफिट तो अल्लाह की दाद देने वाले, डेफिनेटली हम अपना हिस्ट्री बता सकते हैं कि मैंने जो बैरियर टाउन में मेरा प्रोजेक्ट था उस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है उसमें 200 टाइम प्रॉफिट है। मीन के आप कह सकते हैं 50 लाख का अपार्टमेंट लिया था आज वो 1.5 करोड़ का है, 1 करोड़ का ऑन है। इसी तरह हमारा किंग्स टावर है उसमें 40 से 50% ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑन है, ठीक है उसकी इंक्रीमेंट है। और इसी तरह हमारा जो अलहादी गैलरी है उसमें क्योंकि अभी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है उसमें भी 25 से 30% जो रेट खुद बढ़े हैं मार्केट में, उसका प्रीमियम आया, उसकी एप्रिसिएशन जो हुई है वो है। ओवरऑल हम देखे तो अलहादी एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट्स में 25 से 30% से लेकर 200 टाइम जो है वो प्रीमियम बढ़ा हुआ है, और उसकी वजह वो टाइम पे डिलीवर करना और जो आपने वादे किए हैं लोगों को एज पर डिजाइन जो दिखाया वो जब आप लोगों को देते हैं तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएबल होती है। एक दफा फिर मैं आपके साथ पेमेंट प्लान शेयर कर दूं मॉल ऑफ अरेबिया का। इसके अंदर आप स्टूडियो बेड अपार्टमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं सिर्फ 5 लाख से, और जिसपे भी रमजान के अंदर 1 लाख रुपया डिस्काउंट है कस्टमर के लिए डिस्काउंट है। 5 लाख की बजाय 4 लाख आपको देना पड़ेगा, उसके साथ साथ टोटल अमाउंट है इसकी 32.5 लाख। सिर्फ 15,000 रुपया महाना के साथ आप ये स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके साथ साथ 1 बेड अपार्टमेंट है 350 स्क्वेयर फीट का जो कि 45,50,000 रुपए का है। इसके अंदर से 1.5 लाख रुपया रमजान ऑफर है, यानी कि ईद तक वैलिड होगी। आप रमजान के अंदर अंदर अगर बुकिंग करवाते हैं 1.5 लाख रुपया मजीद कम हो जाएगा। 6.5 लाख रुपया इसका एडवांस है और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए, लोकेशन के हवाले से देखा जाए, और आप अगर फैसिलिटीज के हवाले से देखें तो वो तमाम तरह फैसिलिटीज इसके अंदर मिल रही हैं जो एक लिविंग के लिए होनी चाहिए। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर तमाम तरह तफसीलात मैंने दे दी हैं, जो जो आपकी क्यूरीज थी वो भी मैंने क्लियर कर दी हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मजीद डिटेल्स के लिए सामने दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।